गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल टू योर ओन चैनल प्रेस्टीज द रे ऑफ लाइट। काफ़ी लोगों के रेस्पॉन्स आए थे नई स्लाइड डिज़ाइन और लोगों को लेकर के, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लेट अस कम टू द टॉपिक। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर सेकेंड, सोलर रेडिएशन एंड प्लांट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कंसनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल के अंदर देखा और कई सारी चीज़ें डिस्कस की, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ पैराबोलिकल एंड हेलियोस्टेट, और उसके बाद में बेसिक टाइप ऑफ सोलर पावर प्लांट्स, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स की बेसिकली हम बात करेंगे, वो सारा मैं आज आपको करा दूंगा। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस क्लास वुड बी द लास्ट क्लास फॉर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर सेकेंड, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, राइट। इन लास्ट क्लास वी हैव सेड दैट कि कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स क्या होते हैं, हमने उनको डिफाइन किया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सम काइंड ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सोलर रेडिएशन वुड बी देयर, राइट। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज, राइट। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स इसका क्लासिफिकेशन देखा, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, एंड देन वी हैव सीन सम एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स, राइट। थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन को आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बिकॉज एक रिकैप आपका हो जाएगा। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से पढ़ा है, मैंने सबको कंबाइन करके अब एक स्लाइड में लेकर के आ गया हूँ। वी हैव सेड दैट द थर्मोडायनामिक साइकिल्स मे बी क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ टेम्परेचर। अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ नोन एज लो टेम्परेचर साइकिल, 100 से ऊपर जाते हैं अप टू 400 इट इज़ नोन एज मीडियम टेम्परेचर साइकिल, एंड देन अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ टर्म्ड एज हाई टेम्परेचर साइकिल, राइट। बेसिकली लो टेम्परेचर साइकिल्स आर नॉट नोन एज कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स, इनको हम कहते हैं नॉन कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज इन दिस केस नो कंसनट्रेशन इज रिक्वायर्ड एंड नो ट्रैकिंग इज देयर एक्चुअली, राइट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, सोलर पॉन्ड, एक इवेक्यूएटेड ट्यूब्स कलेक्टर्स भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है, राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट द मीडियम टेम्परेचर साइकिल, उसके अंदर पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शलाइज्ड इसका हो चुका है, इसकी बात करेंगे। फिर फ्रेशनल कलेक्टर्स हमारे कोर्स में नहीं है, एंड देन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द मीडियम टेम्परेचर साइकिल कलेक्टर्स मेक यूज ऑफ सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग, एंड दीज आर नोन एज लाइन फोकसिंग कलेक्टर्स, राइट। क्योंकि इनके अंदर जो कंसनट्रेशन ऑफ सोलर रेडिएशन है वो अलॉन्ग द लाइन होता है ना। देन फाइनली हाई टेम्परेचर साइकिल अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर पैराबोलिक डिश एंड सेंट्रल टावर रिसीवर दो बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। पैराबोलिक डिश को पैराबोलाइडियल भी हम कहते हैं, राइट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। एंड वन इज सेंट्रल सोलर टावर, है ना, और इनके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट के ऊपर होता है, इसीलिए हम इनको पॉइंट फोकस्ड सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स भी कहते हैं, एंड दे मेक यूज ऑफ ड्वेल एक्सेस ट्रैकिंग, राइट। इनका एक डिफरेंस भी मैंने क्रिएट करके बताया था, और ये इमेज हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ये सबसे पहली इमेज है आपकी पैराबोलिक ट्रफ, राइट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पैराबोलिक शेप के आपके कलेक्टर्स हैं, और एक लाइन के अलोंग जो है वो हम लाइट को सोलर रेडिएशन को कंसंट्रेट कर रहे हैं। डिश स्टिलिंग का मतलब है पैराबोलोडियल डिश, है ना। इसके अंदर आप देखें इसका शेप डिश का जैसा है, और लाइन हम सारी रेडिएशन को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये भी पॉइंट फोकस्ड है, तरीका थोड़ा डिफरेंट है। सेंट्रल टावर रिसीवर आप देख सकते हैं, बहुत सारे सोलर कलेक्टर्स लगे हुए हैं, और इनको हम कहते हैं मिरर ऑफ एरे है, बेसिकली ये एरे होता है, इनको हेलियोस्टेट कहते हैं, है ना। तो इन तीनों की चर्चा हम डिटेल में आज करेंगे, तो आपको काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी। इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और ढंग से देखिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इस चैप्टर में इसी में से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम की, जो कि लाइन फोकस्ड है, और एक है पैराबोलाइडियल डिश। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द टर्मिनोलॉजी, जो पॉइंट फोकस है उसको पैराबोलाइडियल कहते हैं, और जो लाइन फोकस है उसको पैराबोलिक ट्रफ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इमेज जो है वो पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं ये एब्जॉर्बर ट्यूब है, एक लाइन है ना, जितने भी लाइंस आएंगी पैराबोलिक स्ट्रक्चर के ऊपर रेडिएशन, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के इस एब्जॉर्बर ट्यूब के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ लाइट रहेगा, है ना। हम रिफ्लेक्टर इसको कहते हैं बेसिकली, इस पैराबोलिक स्ट्रक्चर को,
ये भी आपका रिफ्लेक्टर है, एक डिश स्ट्रक्चर है। जो भी लाइट्स यहाँ पर आ रही हैं सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक होकर के इस एब्जॉर्बर पॉइंट के ऊपर कलेक्ट हो रही हैं। तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं पॉइंट फोकस्ड, और इसीलिए हम इसको कहते हैं लाइन फोकस्ड, राइट। आइए थोड़ी सी और डिटेल में इनकी चर्चा करते हैं। फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज लाइन फोकस्ड सोलर कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स, राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स एज वी हैव सीन इन द डायग्राम, देर इज अ रिफ्लेक्टर्स जो कि बेसिकली मिरर्स हैं, देन इज रिसीवर ट्यूब जो कि कलेक्टर ट्यूब है आपकी, एक मेटल सपोर्ट बेसिकली जिसके ऊपर ये लगेगा सपोर्ट स्ट्रक्चर। आप लोगों ने लोगों की रूफ के ऊपर सोलर पीवी देखा होगा, वहाँ पर भी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही इनको भी एक स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट किया जाता है। एंड देन ट्रैकिंग सिस्टम दैट इंक्लूड्स ड्राइव सेंसर्स एंड कंट्रोल्स, सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग रहेगी इसके अंदर। इफ़ यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन देन इट इज़ नोन एज इट इज़ यूज फॉर थर्मल एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक फूड इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, केमिकल इंडस्ट्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एज फार एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज कंसर्न, इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, राइट, जिसको हम कहते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट, राइट। ये एक इमेज मैं आपके सामने लाया हूँ ताकि आपको एक और अच्छा विजुअलाइजेशन पॉइंट दिख सके। देखिए आप बहुत सारे सोलर पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर लगे हैं और ये लाइन के अलोंग सारा जो है इसकी रेडिएशंस जो है हीट है वो कलेक्ट होती है, राइट। अब इसकी थोड़ी और चर्चा करते हैं। एक्चुअली अगर हम कॉमर्शियल थर्मल पावर प्लांट की बात करें सोलर के एस्पेक्ट में, सो दीज आर द मोस्ट कॉमर्शियली अवेलेबल सोलर कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स, राइट। सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो एब्जॉर्बर है यूजुअली टेबुलर शेप का लेते हैं और उसके ऊपर ग्लास लगा रहता है। ग्लास मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्लैट प्लेट के कलेक्टर में, उसकी ट्रांसमिटिविटी बहुत बढ़िया होती है और वापस जाने का कोई प्रावधान नहीं है, राइट। सो वी हैव रिड्यूस द रेडिएटिव एंड कन्वेक्टिव लॉसेज, राइट। कन्वेक्टिव लॉसेज बैक साइड में रिड्यूस करने के लिए हम इंसुलेशन लगाते थे वहाँ पर। ये इमेज है जिससे आपको थोड़ा सा पैराबोलिक डिश स्ट्रक्चर का एक विजुलाइजेशन मिलेगा। ये भी पैराबोलिक स्ट्रक्चर एक डिश टाइप है, जिस तरह से हमारे घरों में जो केबल्स का जो डिश लगा रहता है उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर है। जितनी भी लाइट यहाँ आ रही है वो सारी कंसनट्रेट होकर के इस फोकल पॉइंट के ऊपर जो है वो इकट्ठी हो जाती है। इसके अंदर ड्वेल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म रहता है, राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द पैराबोलॉइडल डिश सिस्टम दैट इज नोन एज पॉइंट फोकस, सो इट इज़ सिमिलर टू द सैटेलाइट डिश। आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू एक्सिस सिस्टम होता है दैट कंसनट्रेट द सोलर रेडिएशन टूवर्ड द थर्मल रिसीवर विच इज लोकेटेड एट द फोकल पॉइंट ऑन द डिश कलेक्टर, है ना, इसीलिए हम इनको पॉइंट फोकस कहते हैं। दिस कलेक्टर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ पैराबोलिक डिश शेप मिरर्स, बहुत सारे मिरर होते हैं, एक से काम नहीं चलेगा। एंड दिस रिफ्लेक्ट ऑल रिफ्लेक्टर कलेक्टिवली फोकस द लाइट टू ए पॉइंट वेयर थर्मल रिसीवर इज प्लेस्ड, राइट। और एक क्योंकि जहाँ पर सारी लाइट आपने एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर दी, लाइन के ऊपर भी ये रहता है, तो वहाँ पर हम एक फ्लूड फ्लो करवाते हैं जिससे कि वो हीट जो है जो कलेक्ट हुई है वो उस फ्लूड को ट्रांसफ़र हो जाए, राइट। और एक टिपिकली स्टीलिंग इंजन इसके अंदर यूज़ लेते हैं प्राइम मूवर की तरह। आप लोगों ने कन्वेंशनल पावर प्लांट की हम बात करें जो कि थर्मल पावर प्लांट है कोल बेस्ड, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वाटर को हीट करते हैं, जो स्टीम जनरेट हुई है उससे हम इंजन को चलाते हैं और आपका मैकेनिकल आउटपुट आता है और फिर वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड है आपका जनरेटर से, है ना, मैकेनिकली कपल्ड है और जनरेटर विल गिव यू दी इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो सेम कॉन्सेप्ट है, केवल और केवल स्टीम जनरेशन का प्रोसेस जो है वो अलग है। वहाँ पर हम पानी को गर्म करते हैं, यहाँ पर हम सोलर रेडिएशन की हीट को कलेक्ट करके एक फ्लूड को गर्म कर रहे हैं, है ना। ये एक डिश टाइप स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा और विजुलाइजेशन आ जाए। एक पावर प्लांट है पूरा, ये बेसिकली कैलिफोर्निया के अंदर है, 300 मेगावाट का पावर प्लांट जो कि सैटेलाइट डिश की फॉर्म में आप देख सकते हैं। सारे के सारे ये पैराबोलॉइडल डिश कलेक्टर्स हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं यूज एरे ऑफ डिश इज देयर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंपैरिजन ऑफ बोथ द पैराबोलिक ट्रफ एंड पैराबोलॉइडल डिश सिस्टम, तो इसको हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट के ऊपर। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम जो है कलेक्टर PTC वो रिलेटिवली लो कॉस्ट है, जबकि डिश सिस्टम की कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, ठीक है ना। अगर हम लैंड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ऑब्वियसली पैराबोलिक ट्रफ के अंदर ज़्यादा लैंड चाहिए, जबकि इसमें इसके अंदर कम चाहिए डिश वाले में। थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये मीडियम टेम्परेचर साइकिल के ऊपर बेस्ड है, तो इसकी थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी कंपेरेटिवली कम होती है, जबकि डिश वाले की ज़्यादा होती है।
और टेम्परेचर अचीवमेंट मैंने आपको कहा था मीडियम टेम्परेचर है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी एनवायरमेंटल कंडीशंस टेम्परेचर वेरी करता है 20 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर टेम्परेचर ये भी काफ़ी कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम वी कैन अचीव अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड राइट फॉर पावर जनरेशन। नाउ कम टू द लास्ट सेंट्रल टावर रिसीवर दैट इज नोन एज हेलियोस्टेट। बेसिकली हेलियोस्टेट एक ग्रीक वर्ड है ना, फ्रॉम हेलियोस से लिया गया है, सन के लिए काम आता है राइट। सो इट इज़ अ डिवाइस दैट इंक्लूड्स एरे ऑफ मिरर, एक लार्ज एरे ऑफ मिरर्स रहेगा, जिस किसी भी डायरेक्शन से सन की रेडिएशंस आ रही हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर के एक फोकल पॉइंट के ऊपर एक प्री डिटरमाइंड टारगेट होगा टावर, वहाँ पर ये लाइट सारी इकट्ठी हो जाएंगी है ना। आप देख सकते हैं, तो दिस इज़ अ सेंट्रल रिसीवर सिस्टम विथ हेलियोस्टेट, काफ़ी सारे मिरर लगे हैं, जहाँ कहीं से भी रेडिएशंस आ रहे हैं वो सारे के सारे इस सेंट्रल रिसीवर के ऊपर फोकस हो रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप, लार्ज एरे ऑफ मिरर एंड दिस इज द सेंट्रल टावर रिसीवर। आपको थोड़ा लाइट लगती हुई दिख रही होगी, काफ़ी हॉट हो जाता है ये क्योंकि बहुत सारा कलेक्शन होता है ना। ये देखिए आप, ये डायग्राम आप देखते हैं तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाती है दिमाग में। ये सेंट्रल टावर रिसीवर है सेंटर में, एंड दिस इज लार्ज एरे ऑफ मिरर्स, यू कैन इमेजिन सच ए ह्यूज एरे राइट। कुछ पिक्चर्स में आपको और दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर वेयर यू कैन विजुलाइज द कम्प्लीट सेंट्रल टावर रिसीवर दैट इज नोन एज हेलियोस्टेट पावर प्लांट। आप देख सकते हैं है ना। सो सेंट्रल रिसीवर सिस्टम इट इज ऑल्सो नोन एज सोलर पावर टावर या सोलर टावर रिसीवर, अलग अलग नाम है तो आप कन्फ्यूज नहीं हो। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टू एक्सिस ट्रैकिंग मिरर्स होते हैं जिनको हम हेलियोस्टेट कहते हैं, एंड अ हीट एक्सचेंजर रिसीवर विच इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ सेंट्रल रिसीवर राइट। इन दिस पावर प्लांट्स सोलर रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हेलियोस्टेट मीन्स लार्ज एरे ऑफ मिरर से सारी की सारी लाइट कंसंट्रेट हो जाती है रिसीवर के ऊपर जो कि टॉप के ऊपर है, और उसके अंदर फ्लूड फ्लोइंग थ्रू द रिसीवर एब्जॉर्ब्स द कंसंट्रेशन रेडिएशन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द हीट एक्सचेंजर राइट विच इज यूज टू ऑपरेट अ रेनकन पावर साइकिल। आप लोगों ने कन्वेंशनल पावर प्लांट के ऊपर पढ़ा होगा कि आपका जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है इट इज़ बेस्ड ऑन रेनकन साइकिल, तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि मैंने पहले ही बताया। इन थर्मल पावर प्लांट कन्वेंशनल वी मेक यूज ऑफ वाटर एंड कोल, कोल को बर्न करते हैं, वाटर हीटअप होता है, स्टीम जनरेट होती है। यहाँ पर स्टीम जनरेशन का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, रेडिएशंस को हम कंसंट्रेट करते हैं रिसीवर के ऊपर जिसके अंदर एक फ्लूड फ्लो होता है, उससे हीट जनरेट होती है और फिर स्टीम जनरेट होती है। बाकी का जो प्रोसेस है टर्बाइन है ना और फिर जनरेटर, वो सब सेम है। सो वाटर ऑब्लिक लिक्विड मेटल और मोल्टन साल्ट यूजुअली हम काम लेते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर को रिटेन करके रखता है। फ्लूड इज पास थ्रू अ हीट एक्सचेंजर इन विच स्टीम फॉर द पावर साइकिल इज जनरेटेड, स्टीम जनरेट होगी दैट ऑपरेट्स अ टर्बाइन विच इज मैकेनिकली कपल्ड विद द अल्टरनेटर एंड विच इज यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी राइट। सो हेलियोस्टेट का थोड़ा सा मैं वर्किंग एक बार ब्रीफ कर देता हूँ वापस से। हेलियोस्टेट यूजेज अ फील्ड ऑफ ड्यूअल एक्सिस सन ट्रैकर्स है ना, दैट डायरेक्ट सोलर एनर्जी टू अ लार्ज एब्जॉर्बर लोकेटेड ऑन अ टावर, पहले ही बता चुके हैं। ए पावर टावर हैज अ फील्ड ऑफ लार्ज मिरर्स जो कि सन के पाथ को फॉलो करते हैं। मोल्टन साल्ट रिटेन हीट एफिशिएंसी, सो इट इज़ यूज टू स्टोर हीट फॉर अ लॉन्ग टाइम है ना। नॉर्मली वाटर के अंदर ये फैसिलिटी नहीं रहती है, तो मोल्टन साल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया सोलर पॉन्ड के केस में भी हम काम लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन, जो कि पावर प्लांट अगर आपको बड़ा लगाना है थर्मल का तो वहाँ हो जाता है, और टेम्परेचर 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है, ठीक है ना। अब एक पावर प्लांट की इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको तरीका पूरा बता दिया है। देखिए स्टीम टर्बाइन और जनरेटर, और उसके बाद में आपको ध्यान है हीट एक्सचेंजर अपन काम लेते हैं, कंडेंसर काम लेते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ग्रिड से जनरेटर के थ्रू ग्रिड कनेक्टेड होगा, ये सब पोर्शन आप जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें, ये दिस इज़ द फील्ड ऑफ सोलर ट्रफ कलेक्टर्स राइट। यहाँ पर हम अगर हम डिश सिस्टम लगा दें तो वो सोलर पैराबोलिक डिश सिस्टम हो जाएगा, और यहीं पर हम हेलियोस्टेट लगा दें तो वो सोलर टावर रिसीवर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ बेसिक प्लांट की। दिस इज पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम राइट, ये आपका हेलियोस्टेट, अगेन रिसीवर, स्टीम ड्रम, टर्बाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी है ना, कंडेंसर आप जानते हैं, ये सब चीज़ें मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ चेंज आएगा। आप कहीं भी लगा सकते हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन से डायग्राम लिए हुए हैं। लास्ट स्लाइड आप देख सकते हैं, ये आपका हेलियोस्टेट चारों ओर है, ये सेंट्रल टावर रिसीवर, उसके बाद में इसके अंदर फ्लूड फ्लो है, हीट जनरेट होगी, और आपका टर्बाइन और जनरेटर लगे हुए हैं। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।
तो हम लोगों ने आज क्लास के अंदर जो है लाइन फोकस्ड सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर विच इज नोन एज सोलर ट्रफ सिस्टम, उसको डिटेल में पढ़ा। फिर हमने सोलर पैराबोलॉइडल डिश सिस्टम जो कि पॉइंट फोकस्ड है उसकी डिटेल में चर्चा की, कैसे काम करता है ना, और उसका डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया। एंड देन वी हैव डिस्कस सोलर टावर रिसीवर दैट इज नोन एज हेलियोस्टेट। तो ये तीन प्रकार के बेसिक सिस्टम आपके कोर्स में थे, मैंने आपको तीनों को डिटेल में के अंदर बता दिया है। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप मैंने कंपेरेटिव टेबल पैराबोलिक ट्रफ और पैराबोलॉइडल डिश की बताई है, आप उस टेबल के अंदर सेंट्रल टावर रिसीवर को भी जोड़ दें और उसी के रेस्पेक्ट में उसका भी क्लासिफिकेशन कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।